हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है जावास्क्रिप्ट में। कई बार क्या होता है कि हमें होता है कि यार हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट करना है, तो उस केस में आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते वीडियो को। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस कोड को ना कॉपी करके अपने सिस्टम पे रख लेता हूँ, या तो फिर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है मेरे पास, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जिस भी इंडेक्स पे मुझे अपडेट करना है वो मैं इंडेक्स गेट करूँगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना था किस इंडेक्स पे आप अपडेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फाइंड इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, एरे में से इंडेक्स फाइंड करना है किसका, जिसकी ऑब्जेक्ट आईडी 2 हो। ठीक है, तो इस तरीके का कोई लॉजिक लगाना है कि सबसे पहले आपको वो इंडेक्स फाइंड करना है। अगर इंडेक्स की वैल्यू जो है अगर -1 नहीं आती है, -1 का मतलब होता है कि नल। ठीक है, नल आ रही है या डेटा नहीं आ रहा उसमें, तो उस केस में क्या रिटर्न करता है हमारा ये इंडेक्स, -1 रिटर्न करता है। अगर तो इसको वैल्यू मिल जाती है तो ये पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। ठीक है, अगर तो इसका इंडेक्स -1 नहीं है तो चले गए हम इंडेक्स ऑब्जेक्ट टू अपडेट, किस ऑब्जेक्ट को हमें अपडेट करना है। तो हमने क्या किया, एरे लिया जो ये हमारा एरे है, इससे क्या मिल जाएगा आपको, इंडेक्स मिल जाएगा कि 1 इंडेक्स पे 2 इंडेक्स पे कहाँ पे अपडेट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स आप पास कर दोगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू अपडेट के अंदर आपके पास इंडेक्स आ गया। ठीक है, और डायरेक्टली भी आप क्या कर सकते हो अपडेट करने के लिए, सिर्फ इंडेक्स पास कर दो। ठीक है, डॉट नेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपडेटेड नेम। और आप क्या कर सकते हो, अपडेटेड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, या तो ऑब्जेक्ट टू अपडेटेड आ, या तो फिर पूरा का पूरा एरे ही कंसोल करा लो कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा एरे, अपडेटेड नेम हो गया सेकेंड पोजिशन पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स गेट करना चाहता हूँ तो इसका इंडेक्स क्या आता है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, मैं यहाँ पे इंडेक्स इसका गेट कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडेक्स क्या आ गया, 1 आ गया। तो पहला 0 इंडेक्स था, फिर 1 इंडेक्स था। ठीक है, 1 इंडेक्स पे क्या करना है, अपडेट करना। मैं यहाँ पे सपोज मान लो तीसरे इंडेक्स पे अपडेट करना है रजनीकांत। ठीक है, सेव किया मैंने, तो यहाँ पे इंडेक्स कितना आएगा इसका, 2 आ गया। तो दूसरे इंडेक्स पे क्या किया इसने, जो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो चार्ली के बदले क्या अपडेट हो जाएगा, रजनीकांत अपडेट हो जाएगा, चेक कर ले। ठीक है, अपडेट हो गया। तो इससे क्या मिलेगा आपको, अब इंडेक्स मिल जाएगा। इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हो, इस एरे से इंडेक्स आपने निकाल लिया और उस इंडेक्स पे किसको अपडेट करना है, वेदर वॉन्ट्स टू अपडेट द नेम, और भी 4-5 फील्ड होंगी उसको अपडेट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा फंक्शन है कि जब भी आपको कोई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर वैल्यू या पर्टिकुलर केस में आपको कुछ कोई चीज़ अपडेट करनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, फाइंड इंडेक्स का, और जब वो मिल जाए तो उसके इंडेक्स को क्या कर दो, अपडेट कर दो उस पर्टिकुलर वैल्यू को। ठीक है, तो इस तरीके से अपडेट करना है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।